हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी विद नैनिका सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रोल ऑफ फैमिली स्कूल स्कूल कम्युनिटी एंड मीडिया इन एड्रेसिंग द इश्यूज़ राइट फैमिली की रोल क्या है स्कूल की रोल क्या है एंड कम्युनिटी की रोल क्या है जेंडर इशूज़ को एड्रेस uh, करने में ठीक है ये आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जेंडर इशू है क्या जेंडर इशू जैसे जो वोमेंस के वमेंस के साथ जो वायलेंस होता है या सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या वेज जो जैसे मेल कैंडिडेट्स को वेज मतलब मिलता है जो फीमेल्स को नहीं दिया जाता या वेज गैप जो है ठीक है जो तो ये सारे होता ये सारा चीज़ जो है वो जेंडर ईशूज़ में आता है ठीक है तो हम क्या स्ट्रैटी लगाएंगे या क्या रोल है या ये जो ये बी एड के सेकेंड ईयर में ठीक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पेपर में ये वाला टॉपिक जो है बहुत कॉमन सा है कि एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज इंटरवेंशन एंड स्ट्रैटेजीज़ एंड वॉट आर द रोल ऑफ फैमिली स्कूल कम्युनिटी एंड मीडिया एंड एड्रेसिंग द इशूज़ ओके तो जेंडर इशू क्या है ये हमने पहले ये डिस्कस किया अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि Uh, हम लोग जेंडर इशू को कैसे कम करेंगे तो देखो जेंडर इशू को अगर कम करना है तो हमें क्या करना होगा जेंडर इक्वालिटी लाना होगा ठीक है तो जेंडर इक्वालिटी कैसे कम हो uh, कैसे uh, लाएंगे इसके लिए पांच पॉइंट को हम डील कर रहे हैं अभी इस वीडियो में आप लोग एक काम करो एज अ नोट फॉर्मेट यू गाइस कैन टेक स्क्रीन शॉट एज वेल ओके इफ यू वॉन्ट सो प्रे फॉर अ हेल्दी चाइल्ड नॉट अ बॉय और अ गर्ल ओके एक हेल्दी बच्चा के लिए आप लोग प्रे करिए ऐसा मत बोलिए कि हमें लड़का ही चाहिए हमें बेटा ही चाहिए ठीक है आ, बेटी नहीं चाहिए ऐसा नहीं दोनों को ही इक्वालिटी देना चाहिए ठीक है तो बेसिकली फैमिली का रोल यही आएगा कि बेस्ट एजुकेशन दे ठीक है यू कैन अफोर्ड टू बोथ द सन एंड द डॉटर एंड डॉटर की चॉइसेस को लिमिट ज़्यादा ना करिए व्हेन ग्रोइंग अप और फोर्स टू अधर टू जेंडर स्टीरोटाइप अलाउ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच चाइल्ड टू फ्लरिश ओके एंड मेक श्योर दैट द डॉटर गेट्स प्रोफेशनल कॉलेज इन एजुकेशन तो ये हो सकता है स्ट्रैटेजीज़ ठीक है ड्रेसिंग जेंडर इश्यूज़ इंटरवेंशन एंड स्ट्रैटेजीज़ में ये इसको हम लिख सकते हैं ठीक है आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप इसको डाल सकते हो ये सारे स्ट्रेटेजीज़ है एंड डू नॉट मेक श्योर दैट द डॉटर गेट्स प्रोफेशनल कॉलेज एजुकेशन ओके प्रोफेशनल कॉलेज एजुकेशन भी अच्छी तरीके से मिल रहा है कि नहीं ये भी इंश्योर करें आपकी बेटी जो भी है एंड इंसिस्ट ऑन राइट टू वर्क वेन यू मैरी योर डॉटर ऑफ ओके एक अर्निंग वमेन जो है उनको भी एम्पावरमेंट देना चाहिए जो ये फैमिली का रोल होना चाहिए ठीक है एंड भी डिफरेंट डिफरेंट सारे देखिए पॉइंट्स इसको भी आप अगर इफ़ यू वॉन्ट इफ़ इफ़ यू वॉन्ट यू गाइज कैन टेक स्क्रीन शॉट ओके ये नोट्स में बना तो ये जो एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज स्ट्रैटेजीज़ में ये जा सकता है कि रोल ऑफ फैम फैमिली को क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए अपने बेटी जेंडर uh, इक्वालिटी अपने फ़ैमिली में अगर लाना चाहते हैं जेंडर इशू को कम करना चाहते हैं तो उसके फैमिली में क्या होना चाहिए तो ये आप इसमें लिख सकते हो ठीक है तो आप एक स्क्रीन शॉट ले रहो बिकॉज बी एड में नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ठीक है एंड देखिए स्क्रीन शॉट ले सकते हो इस फैमिली एंड स्कूल एंड कम्यूनिटी एंड मीडिया ये चारों ही uh, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है ठीक है तो आप एक काम करो ये सारा चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्या स्ट्रैटेजीज़ लेना है हमें जेंडर बायस जा जो है वो नहीं हो तो हम लोग ये सारा सब कुछ लिख सकते हैं कि टीचर और पेरेंट्स को रोल रोल क्या है देखिए पूरा दिया हुआ है बुलेट वाइज ओके तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं अगर आप नोट्स बना रहे हो एक एक पॉइंट्स को डालो या समझने के लिए भी मेन जो मुद्दा है मैंने ये बोल ही दिया कि बेसिकली देखिए जेंडर इश्यू कहीं पे भी है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है तो उसको अगर कम करना है तो हमें क्या लाना होगा जेंडर इक्वालिटी लाना होगा ठीक है अनजेंडर इक्वालिटी कैसे आएगा जब तक हम लोग अपने घर से इस, इस प्रैक्टिस को प्र, नहीं करेंगे तो लागू ठीक है तो यही सब कुछ है फैमिली से ही आ, फैमिली जैसे जो हम अपने घर में करेंगे वही ना आगे बढ़ेगा वही चीज़ें आगे जाएगी तो घर में ही हम लोग अगर बेटा बेटी को ज़्यादा मतलब आ, जेंडर गैप कर दे ठीक है बेटी को ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं दे बेटा को ही दे तो ऐसा तो नहीं चलेगा तब तो जेंडर गैप तो बढ़ते ही जाएगा डे बाई डे तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि जेंडर इशू को अगर कम करना है तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना होगा हमारे फैमिली में तो फैमिली का रोल यही है कि जो मैंने पहले में बताया वीडियो के स्टार्टिंग में वही वही सारे प्रैक्टिसेस अगर हम लोग करेंगे अ स्ट्रैटेजीज निभाएंगे लाएंगे जैसे वेडिंग वेडिंग लड़की की शादी में हम लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करके लड़की के अकाउंट में अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर दे तो ये भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा तो ये सारा सब कुछ अगर हम लोग करें तो जेंडर इशू जो है वो ज़रूर 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 घटेगा इंडिया में उसका रेट अभी बहुत ज़्यादा है राइट सो so, इतना ही अगर आप मेंशन करोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट ओके एग्जामिनर या जो भी रहेंगे जो कॉपी चेक वगैरह होता है तो ही विल डेफिनेटली गेट सॉरी इम्प्रेस्ड ओके सो गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी विद नैनिका ओके सो थैंक यू स्टेट नैन टेक केयर